नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के जरिए संसद में आंदोलन कर रहे किसानों और उनके समर्थकों को आंदोलनजीवी शब्दों से संबोधित करने को देश के क्रांतिकारियों और शहीदों का अपमान बताया है। उन्होंने बीजेपी से शहीद स्मारक पर जाकर माफी मांगने की मांग की है। अखिलेश ने मंगलवार को ट्विटर पर लिखा कि आंदोलनों से स्वतंत्रता पाने वाले देश में आंदोलनरत किसानों नागरिकों को आंदोलनजीवी जैसे आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित करना हमारे देश के क्रांतिकारियों एवं शहीदों का अपमान है। आजादी के आंदोलन में आंदोलन करने वाले आंदोलन का मतलब क्या जाने, बीजेपी शहीद स्मारक पर जाकर माफी मांगे। इससे पहले कांग्रेस ने कहा कि ये किसानों का अपमान है। वहीं शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ट्वीट करते हुए कहा कि गर्व से कहो हम सब आंदोलनजीवी हैं। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि जनहित के बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने और उन्हें गुमराह करने में बीजेपी को स्पेशलाइजे हासिल है। उन्होंने कहा कि देश भर में किसान आंदोलन कर रहा है और आक्रोशित है। किसानों की दो ही मांगे हैं, लेकिन 3 महीने से बीजेपी सरकार इस पर टाल मटोल कर रही है। अखिलेश ने कहा कि दुखद है कि बीजेपी सरकार किसानों के इस आंदोलन को आतंकवादी खालिस्तानी नाम से नवाज रही है। दुनिया के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र के रहते किसानों की ये अनदेखी क्यों हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।